जय हिंद डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन द हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज। बेटे जो साउंड की स्पीड है किसी भी गैस में जो साउंड की स्पीड है वो हमें लाप्लास इक्वेशन से मालूम है, कितना है v इज इक्वल टू गामा पी वाई डी, ये इक्वेशन है। और इसमें v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एनी कह सकते हैं गैस, किसी गैस में है ये। और यहां पर d जो है वो d स्टैंड फॉर द डेंसिटी ऑफ दैट गैस, p इज द प्रेशर ऑफ दैट गैस एंड गामा इज द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट। तो गामा रेशियो है टू स्पेसिफिक हीट का। तो बेटे ये पूछ किस में रहा है, नाइट्रोजन में पूछ रहा है और हीलियम गैस में पूछ रहा है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी गिवन है, तो वो किस तरीके से होगा, तो हम आइडियल गैस का फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT होता है, और P और एक चीज और हम जानते हैं मास इक्वल टू क्या होता है बेटे, मास M इज इक्वल टू वॉल्यूम अपान डेंसिटी होता है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपान डेंसिटी। अब आप देखें यहां पर कि यहां पर थोड़ा सा देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है एम बाई डी होता है, तो बेटे हाँ एम बाई डी होता है वॉल्यूम इक्वल टू, तो पी और इन टू वी की यहां पर रखना पड़ेगा एम बाई डी और इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी हो जाएगा। बेटे यहां पर पी वाई डी ये वैल्यू को एक साथ रखेंगे और स्मॉल एम और इन टू क्या हो जाएगा आर टी, और पी वाई डी इक्वल टू आर टी बाई स्मॉल एम। और इस एक्सप्रेशन में जो ये है, इस एक्सप्रेशन में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये पी बाई डी है और पी बाई डी की जगह पर मैं आर टी बाई एम लिख सकता हूं, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गामा और आर टी बाई एम हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो ये स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस है वो गामा के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ ये मोलर मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन है बेटे, तो नाइट्रोजन हमारा कैसा होता है N2, जो कि एक कैसा होता है डाइएटॉमिक गैस होता है ये, और डाइएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 5 होता है, और हमारा जो हीलियम है ये मोनोएटॉमिक गैस है बेटे, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए कैसा गैस है ये, मोनोएटॉमिक गैस है ये, और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3 होता है, और इसका अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो ये 4 होता है, और इसका कितना होता है बेटे, इसका 28 होता है, इसका 28 होता है। अब आप यहां पर जब भी आप इस एक्सप्रेशन में V नाइट्रोजन लिखेंगे तो V नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, अच्छा गामा की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो गामा है क्या चीज बेटे, ये CP अपान CV दो मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो है, CP की जो वैल्यू होती है 1 प्लस FY2 इंटू RT होता है, और CV की जो वैल्यू होती है वो FY2 इंटू RT होता है, RT से RT कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2YF और 1 प्लस FY2 और इंटू गामा, और गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2YF और प्लस FY2 इंटू 2YF, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2YF। हम चाहते तो ये फार्मूला डायरेक्ट रखकर भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने एक बार ड्राइव किया थोड़ा सा ऐसे छोटा सा कि ये आपको याद रहे कि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2YF आता कैसे है। तो गामा की वैल्यू हम यहां से अगर कैलकुलेट करें, और गामा किसके लिए कैलकुलेट करें, पहले हम गामा ही कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे, गामा पहले हम नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना होता है 1 प्लस 2YF, तो 1 प्लस और 2 ये कैसा गैस है, डायटॉमिक गैस है, ये 5 होता है, तो ये हो जाएगा 7Y5 क्या हो जाएगा गामा N2। अब अगर हम ऐसे ही बेटे हम गामा हीलियम निकालें तो गामा हीलियम कितना आ जाएगा 1 प्लस 2Y3 और ये आ जाएगा 5Y3। अब आप क्या करोगे, वेलोसिटी नाइट्रोजन में कैलकुलेट करो, तो गामा की वैल्यू आपको मालूम है कितना आया है नाइट्रोजन के लिए 7Y5 और आर टी की वैल्यू 300 और वाई इसका मास नाइट्रोजन का 28। और ऐसे ही आप हीलियम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हीलियम के लिए गामा की वैल्यू कितनी होगी, हीलियम के लिए
एच ई होता है। तो हीलियम के लिए होता है 5/3 और आर और टी की वैल्यू 300, इसके लिए भी सेम टेम्परेचर दिया गया है और इसका जो होता है 4 होता है। दोनों को डिवाइड कर दो, आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू रखते तो ना रखते तो दोनों सेम थे, कैंसिल हो जाता और आपको क्या मिलने वाला है 7/5 और 7/5 इंटू 28 और बेटे अपॉन, इसको थोड़ा सा और मैं यहां ऊपर लिखता हूं वी एन टू अपॉन वी एच ई और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 7/5 इंटू 28 और अंडर रूट 5/3 इंटू 4 और अब आ जाएगा 7 × 3 इंटू 4 अपॉन 5 × 5 इंटू 28 और ये रूट में आ जाएगा जो किसका रेशियो है V नाइट्रोजन अपॉन V हीलियम का। स्पीड ऑफ द साउंड इन नाइट्रोजन गैस, स्पीड ऑफ द साउंड इन हीलियम गैस, यहां पर बेटे ये बाहर आ जाएगा 1/5 हो जाएगा और 7 × 4 = 28 तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा और अब ऊपर यहां पर क्या बच रहा है 7 × 4 = 28 और यहां बच रहा है 12, यहां बच रहा है 12 रूट में तो यहां पर हो जाएगा 12/10। देखो थोड़ा सा कहीं पर गलती तो नहीं हो रही है, यहां पर नाइट्रोजन 14 × 28 हो जाएगा 7/5 और ये 5/3 और इंटू 4 5/3 इंटू 4 और 7/5 इंटू 28 और 7 और 3 इंटू 4 5 × 5 × 28 इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये बेटे क्या हो गया कि ये थोड़ा सा यहीं से डाइवर्ट हुआ है क्वेश्चन, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया और अंडर रूट 3/25 ये 5 × 5 = 25 3 और यहां पर अंडर रूट 3/5 आ जाएगा और वी एन टू अपॉन ये n है नाइट्रोजन और वी एच ई तो v यहां से हमारा ये आंसर आ गया कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द नाइट्रोजन गैस वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन हीलियम गैस √3/5 इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो गया।